तू गुड़ का हलवा खाओ, बाद में आया घर बाहर उठाना। हाँ शेख जी, डॉक्टर ने मुझे 10 रुपए गुड़ का हलवा बताया। अच्छा, तो मेरे लिए कटोरी हलवा पका दे। ठीक है शेख जी, पका देती हूँ। हाँ पका दे, अच्छा तो बने। लेकिन शेख जी हलवा पकाऊ काय में? मैं काय में पका दे, पतीली में पका दे। पतीली में नहीं पकता हलवा, हलवा पकता है कढ़ाई में। कढ़ाई तो हमारे है नहीं। तुम ऐसा करो, विधायक जी की कढ़ाई मांग के लिया। मैं तू अपना काम कर, मुझे काम फांसा रुकता ना, विधायक जी कढ़ाई देने वाले नहीं। दे देंगे शेख जी, तुम जाओ तो सही। मैं नहीं देने वाले। तुम्हें कैसे नहीं पता, नहीं देने वाले? तो मुझे लग रहा है सही। शेख जी हाँ, तुम्हें ऐसे करना हाँ, उन्हें एक कटोरी हलवे का लालच दे देना, वो कढ़ाई अपने आप निकाल के दे देंगे। ये सही है बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ जल्दी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। विधायक जी कौन? विधायक नहीं है, शेख जी। हाँ मैं हूँ शेख चिल्ली। अच्छा अच्छा, विधायक जी तो है नहीं घर पे? विधायक जी है नहीं? नहीं। आप कौन? मैं उनकी घरवाली हूँ। कितनी घरवाली बदले हैं विधायक जी, कितनी घरवाली बदले हैं। मैंने अभी 2 दिन पीछे कोठी में और देखी कोई। क्या? हाँ भाभी भाभी। हाँ जी। और मुझे कढ़ाई लेनी, कढ़ाई। कढ़ाई? हाँ हलवा पकाएगी रुखसाना। शेख जी हाँ, कढ़ाई तो है नहीं हमारे। कढ़ाई नहीं है? नहीं। अबे डांट गई भाभी, डांट गई है रुखसाना। कही हलवे का लालच दियो विधायक जी। ऐसा रुखसाना कह रही थी, एक कटोरी हलवा पका कर तुम्हारे घर दे जाएंगे। हलवा? हाँ। अच्छा शेख जी हाँ, कढ़ाई है हमारे। है कढ़ाई? हाँ हाँ। ठीक है लिया था, लिया, लिया, लो लाओ। और सुनो हाँ, एक कटोरी हलवा जरूर लेते आना। जरूर लेके जाऊंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है ठीक है, हलवा बिल्कुल नहीं देखो। मैं लेगा कढ़ाई बार उकसाना। हाँ शेख जी, ले कढ़ाई ले लाओ। एक बात सुन ले। हाँ जी भाभी, यूँ कह रही है कढ़ाई ले जा, पर हलवा देकर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है शेख जी, एक कटोरी हलवा दिया ना। है फ्री का हलवा? एक कटोरी हलवा दिया, फ्री का हलवा? तू हलवा पका, पकाती हूँ भाई साहब। हलवा पकाया रुखसाना ने, और मैंने कुछ रुखसाना खवा दिया, सारा चेक कर दिया। रुखसाना मैंने कहा कढ़ाई दियो। रुखसाना? हाँ शेख जी। उनकी कढ़ाई तो दियो विधायक जी, की लड़ेंगे नहीं। कढ़ाई तो दियाओगे हाँ, हलवा तो बचाई नहीं। मैं ना बचे जान दे, मैं जान मुझे खाया हलवा बचा नहीं, फिर का हलवा। विधायक जी के घर क्या दे के आओगे? मैं अपना दियाऊंगा कढ़ाई। दे कढ़ाई लो। पर मैंने कढ़ाई ले ली भाई जान, और मैं जब गली में जा रहा मैं सोचता जा रहा हूँ मैं हलवा तो है नहीं भाई, गड़बड़ होगी। ठीक है भाई, मुझे रास्ते में देखो कूड़े पे एक छोटी सी कढ़ाई नहीं होती, बच्चों की खिलौना प्लास्टिक की होती ना, मैंने वो ले ली। मगर अरे ये सही आइडिया, फिर मैं कढ़ाई में रखी हूँ और मैं विधायक जी की कोठी में। विधायक जी। हाँ जी भाभी। हाँ शेख जी, ये लो अपनी कढ़ाई, लो कढ़ाई, ये लो कढ़ाई। हाँ और शेख जी हाँ, हलवा? हलवा? हाँ भाभी, हलवा हमने पकाया ही नहीं। पकाया नहीं? नहीं। क्यों नहीं पकाया हलवा भाभी? हाँ तुम्हारी कढ़ाई ना घर जाके बच्चा दे दिया है? हाँ कढ़ाई ना बच्चा दे दिया, घर जाके बच्चा दे दिया। अब एक बात बताओ भाभी, पूछो। अगर किसी औरत का बच्चा हो जाए हाँ हाँ, तो फिर उसे काम करवाते हैं क्या तुरंत? नहीं काम तो नहीं करवाते। अब तुम बताओ, जब कढ़ाई ने बच्चा दे दिया हाँ, तो इसे हलवा पकवाता? अच्छा, और ये छोटी सी क्या है? हाँ ये बच्चा है कढ़ाई का, इसे भी तुम रखो, तुम्हारा ही है, इसे भी हमें रखे। ठीक है शेख जी। और शेख जी सुनो हाँ, आगे से किसी भी बर्तन की जरूरत हो हाँ, तो बेहिचक आके ले जाना। ठीक है भाई, और बच्चा होते ही वापस दे जाना। बिल्कुल दे जाऊंगा। ठीक है। अब वहां भी ना सोची, इधर बेवकूफ मिल गया, एक कढ़ाई की दो कढ़ाई दे गया। अब 5-4 दिन पीछे मेरा खर्चा सा खत्म होगा, मैं पहुंचा कोठी। मैं सोचा विधायक जी तो कहीं मीटिंग में गए, और मैंने देख लिया वहां गाड़ी जा रही है, तो घर पहुंच।
हाँ शेख जी, मुझे कुछ बर्तन चाहिए थे। बर्तन? हाँ बताओ कौन कौन से चाहिए। बाल्टी, भगोना, टप, लोटा, जग, बाल्टी, पीतल की कढ़ाई, परात, तवा, फूकनी, चिमटा, चिमटी, ये सब दे दो। इतने सारे बर्तन? हाँ थोड़े मेहमान ज्यादा आ गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ले जाओ। ले जाओ, और मैं बोरी में भर के ले गया, मैं जा रहे थे बाजार में खाली हसनपुर में, और मैं भी जाएंगे अपने घर। रुखसाना को पता ना लगी, अब रुखसाना जब मांगना आवक, अब 5-7 दिन हो गए, अब भाभी ने सोची विधायक जी को पता ना लग जाए बर्तन कहाँ घर के, गड़बड़ हो जाएगी। अब डर रही आई, एक दिन मैं मिला। घर पे है क्या कोई? हाँ 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 भाभी हैं हैं। शेख जी हाँ, वो बर्तन दे आते। बर्तन दे देंगे, कोई ले मारे हम दे देंगे बर्तन, अपने घर जाओ। बर्तनों की जरूरत थी बहुत ज्यादा। जरूरत नहीं, हमें जरूरत है अभी अभी नहीं है, बर्तन चाहिए, दे देंगे बर्तन। अच्छा चलो ठीक है, कल दे जाना। हाँ दे जाएंगे, कल को आ जाइयो। और मैंने बेइज्जती में दूं कहाँ से। अगले दिन फिर आ गई, उनके तो ये लगी बर्तन आती हराम जाने में, गड़बड़ होगी, विधायक जी ने देख ले। शेख जी है क्या घर पे? हाँ हाँ भाभी हैं। शेख जी मैं बर्तन दे दो। हाँ दे देंगे, तुमने तो आखिरी काट ली, इतने बिल्कुल ऐसे हो गए तुम। शेख जी इतने सारे बर्तन है, अब हम भी तो खाना पकाते हैं। पका लियो खाना, शाम को ले जाओ। शाम को? हाँ शाम को मिलेंगे। शाम को मुझे बर्तन जरूर मिल जाने चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएंगे बर्तन, दे गई बस तो। फिर शाम भी अगले दिन मैं मिला ही नहीं, और वाले आएंगी और रुखसाना मिली। घर पे कोई है क्या? हाजी बाजी क्या बात है? बात क्या होती रुखसाना, वो शेख जी कुछ बर्तन लाए थे घर से। बर्तन? हाँ 15 दिन हो गए हैं, वापस मिलते हैं। घर पे तो नहीं लाए बर्तन बाजी। चलो कल आएंगे, कल आ जाना आप, कल बात कर लेना शेख जी से। अच्छा हाँ, अब उनका कहाँ लग रही कल, उन्होंने सोचा बर्तन गड़बड़ कर दी थी क्या। रुखसाना? हाँ शेख जी। मुझे लगा भाभी आई थी। आई थी? तुम वहां से बर्तन लेकर आए हो क्या? हाँ मैं भी लाता बर्तन, मैं देखे भी नहीं है। अब कल आएगी तो अपना आप झेल लेना। हाँ मैं देख लूंगा। हाँ अब कल हेराली में तो आपकी भाई कल आ गई, एक लठैत को ले गए हिमाती देखा ही। भाई मैंने देखा सारे गड़बड़ ज्यादा होगी दिखे, ज्यादा गड़बड़ होगी दिखे, हिमाती मिला। शेख जी है क्या घर पे? हाँ जी हैं हैं भाभी हैं। शेख जी मैं बर्तन दे दो। ये कौन है? ये हिमाती है, हिमाती। शेख जी क्या हुआ? अरे क्या हुआ बताओ तो सही, शेख जी क्या हुआ भाईजान? हाँ मैं क्या बताऊँ, बताओ तो सही क्या हुआ? रो रो मैं बर्तन मर गए। बर्तन मर गए? बर्तन भी कहीं मरते हैं भाई? मर गए भाई साहब, उन्हें तो मैं दफना भी आया, मुझे दफनाने के पैसे उठते थे भाभी। जब कढ़ाई बच्चा दे सकती है तो बर्तन मर नहीं सकते हैं? जब तक फ्री का बच्चा रख लिया इन्होंने, जब तुम लगी तो बच्चे को ले जा। ऐसी है क्या? तो गड़बड़ तो तुम नहीं कर जा, निकल जाने सारे हिमाती हो जाते मालूम है।